बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी समोसा, पॉकेट समोसा, इसे जो भी आप नाम दे लें। तो रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए सब हमने पहले हमने 3 कप मैदा लिया है इसी कप के साथ, और उससे 1/2 कप हमने ऑयल इसमें डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत है या 1 चम्मच मैंने जो है वो नमक लिया और उसको इसमें डाल दिया है। ये समोसे का आटा गूंदने का सीक्रेट है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी वो पूरी बनती है। इसको आप एंड तक लाजमी देखिएगा। इनको मिक्स करने के बाद हमने 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया और फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। जब ये इस स्टेज पर आ जाए कि मुट्ठी में लें तो ये सारा ऐसे कवर हो जाए, उस वक्त अब हम इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से गूँद लेंगे। इस तरह पानी ऐड किया, ये देखिए अच्छे से ये सारा गीला हो गया है। अब इसको इस तरह से अलग-अलग करके इसको गोल गोल आपने नहीं घुमाना बल्कि अलग-अलग करके इस तरह आपने इसको नीट करना है। ये तकरीबन मतलब आप 15 से 20 बार ऐसे करेंगे और उसके बाद हम इसको इसी तरह कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमने देखा तो आटा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। इसमें से 1 पेड़ा लें आप और उसको हम अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त आसान रेसिपी है और बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे इससे बनते हैं। ये अब हम बना रहे हैं मिनी समोसे, तो इसके लिए हम अलहदा से मतलब एक तरीका है उसके साथ अब इसको बनाएंगे, और दूसरे समोसे बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक पहले वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। समोसे बनाने की पहले रेसिपी जो है वो एक अपलोड कर चुकी हूँ। इसके बाद कीमे वाले समोसे जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी की तरह देखिए, ये जो हमने सारी रोटी हमने अच्छे से बेल लेनी है। वैसे तो बेसिकली छोटे पेड़े करने के बाद हम उसको बेलते हैं तो वो छोटी छोटी पूरियां बन जाती हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है। आप इस तरह बड़ी सी रोटी बेलें और एक डिब्बी ले लें, ढक्कन ले लें, जितना मतलब जितना समोसा आपको चाहिए। ये एक डिबिया है मेरे पास, इसकी मदद से मैंने इसको ऐसे ही मतलब एक शेप दे दी है। ये शेप देने के बाद बाकी आटा हम उतार लेंगे इस तरह, और अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो चलिए आइए हम तैयार करते हैं फिलिंग। इसके लिए हमें 3 दरमियाने साइज़ के आलू चाहिए, इनको हम मैश कर लेंगे। इसमें हम सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटा हुआ, और बंद गोभी जो है वो हमने कश कर ली है। सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा कीमा है हमारे पास, ये इसके अंदर हमने पहले ये बना लिया था, इसको अब रखा है, ये ऐड कर देंगे। नमक हम हसबे जायका इसमें डालेंगे, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च के हम इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर जो है वो 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। ज़ीरा जो है वो 1 चम्मच के करीब डालेंगे। ये अमेज़े के हिसाब से जितना अमेज़ा आप बना रहे हैं। गर्म मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद अब बारी आती है समोसा बनाने की। तो समोसे की वो हम जो हमने रोटी बनाई हुई थी छोटी सी, उसको लेंगे और इस तरह दरमियान में से काट लेंगे। इसको काटने के बाद इस समोसे की दोनों साइड्स को पकड़ के एक दूसरे के साथ हम ऐसे अटैच कर देंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से अटैच हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो फिलिंग बनाई हुई है वो इसके अंदर ऐसे ही फिल कर देंगे। जितनी फिलिंग की ज़रूरत है उतनी ही फिलिंग आप इसमें डालिए। ये शाम की चाय के साथ मेहमान आएँ तो उसके लिए बड़ी यूनिक सी एक रेसिपी है, ये बनाएं और मतलब बहुत ही प्यारी और मज़े की रेसिपी है। इस तरह बाइट समोसा भी इसको कहते हैं। इसी तरह इसी तरीके से, एक तरीका आप ध्यान से देखा करें, इसी तरीके से बाकी समोसे जो हैं वो हम इसको बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और उसमें जो है वो समोसे फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ऑयल थोड़ा गरम होना चाहिए,
तो समोसे अच्छे से बन जाएंगे। समोसों का कलर बड़ा ज़बरदस्त आ चुका है। ये देखिए हमारे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह हम इसको डिश आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।